हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका, जिसे आप गोधली चंद्रिका भी कह सकते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर का नाम है रोशमा, जो कि काव्यखंड से लिया गया है। तो इसमें हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है बाबू, तो देखो इसमें बहुत सारा प्रश्न उठता है कि क्या सर चंद्रिका हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, यानी कि बहुत सारा कमेंट आ गया है। तो हम आपको बाबू थोड़ा सा हिंट देना चाहते हैं इसके माध्यम से, यानी चंद्रिका के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे गद्यखंड एवं काव्यखंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर होता है। तो आपको यह याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है बाबू, तो जैसे कि आपको इस तरह से याद कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे तो शायद नहीं लिखा हुआ है राइटर का कौन सी भाषा में लिखी गई है, यानी कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो आप बुक के माध्यम से जाकर वहाँ से आप यह याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, फिर उनके लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई, आपको यह भी याद कर लेना है। ठीक है बाबू, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं, चैप्टर का नाम याद कर लेते हैं, उनके लेखक के नाम याद कर लेते हैं, और कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है वह याद ही नहीं करते, और मालूम चलता है कि 4 से 5 ऑब्जेक्टिव छोड़ के चले आते हैं। तो आपको आज से यानी कि अभी से यह गलती दोहराना नहीं है। ठीक है बाबू, तो आप उसे याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, फिर लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, अब हम थोड़ा सा बात कर लेता है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इससे फ़ायदा होता है या फिर इससे नुकसान होता है। तो इससे रिलेटेड तो बहुत सारा कमेंट आ गया था, तो फिर हम सोचे कि चलो इसके बारे में बताया जाए। लेकिन हम आपको बाबू यह कहना चाहते हैं कि उसमें एक स्टूडेंट था, तो यह भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर अगर चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो आप जिस तरह से बुक कवर किए हैं ठीक उसी तरह से चंद्रिका भी कवर करके प्लेलिस्ट में डाल दीजिएगा। तो फिर हमारे पास जितना टीम था सबसे हम बातचीत किए, फिर मीटिंग किए, फिर हम उसको लगा कि चलो जितना भी चंद्रिका भी को भी यानी कि कवर करके उसे प्लेलिस्ट में डाल देना चाहिए। ठीक है बाबू, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न उठता है कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर इनसे नुकसान क्या होता है। तो देखो बाबू, हम आपको बता देते, इसमें बहुत सारा अगर आपके मन में प्रश्न उठते होंगे चंद्रिका के बारे में, ठीक है, तो आई होप हम समझ पा रहे होंगे आपकी बात। तो लेकिन इसमें बाबू अगर हम आपको बता दें, यहाँ पर हम आपको हल्का हल्का हिंट देंगे। ठीक है बाबू, आपको थोड़ा ज़्यादा विस्तार में हम नहीं समझा पाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है और हम आपसे 8 से 9 मिनट के आसपास हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ बुक कवर किया जा रहा है। ठीक है बाबू, तो लेकिन हम आपको ये भी विश्वास ज़रूर दिलाना चाहते हैं कि हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन 2 से 3 घंटा ज़रूर किसी दिन हम समय निकालेंगे, और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे कि चंद्रिका किस तरह से उपयोग में लाया जा सकता है या किस तरह से हम उपयोग इसको कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो लेकिन हम आपको यहाँ पर थोड़ा ज़रूर हिंट्स देना चाहेंगे। ठीक है बाबू, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलो हम तुमको बता दें कि चंद्रिका किस तरह से हमारे जीवन में उपयोग हो सकता है या इससे हम लाभ कैसे उठा सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलो सबसे पहले क्या हो जाता है कि आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें हम बिल्कुल कहेंगे आप चंद्रिका बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बाबू, आप बिल्कुल इस्तेमाल करो, किसी से डरने का नहीं है, नहीं अपने आप से डरना है, नहीं किसी से डरना है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि जब वो चंद्रिका इस्तेमाल कर रहे होते हैं पढ़ाई के समय, जब वो चंद्रिका इस्तेमाल करते रहते हैं, अगर उसके माने कि इस्तेमाल करते समय सॉरी बाबू यानी कि इस्तेमाल करते समय और उसके पास अगर कोई आ गया, यानी कि उससे सीनियर कोई आ गया, तो वह क्या करता है मालूम है, चंद्रिका को ऑफ करके किताब के नीचे रख देते हैं। यानी कि उसको लगता है कि चंद्रिका कितना बड़ा, यानी कि हम चोरी कर रहे हैं, उसको ऐसा महसूस होता है। और पता नहीं अब यह शब्द बहुत आज से अगर 50-60 साल अगर पीछे अगर जाए तो वहाँ से ही यह शब्द प्रचलित हो गया है कि चंद्रिका से पढ़ने वाला स्टूडेंट कमज़ोर होता है, या जिसे पढ़ने में मन नहीं लगता वह चंद्रिका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि वाट एवर बहुत सारे इससे रिलेटेड भी बहुत सारा प्रश्न है, तो वहाँ से ही आज से अगर 50-60 पीछे जाए वहाँ से यह शब्द प्रचलित हुआ है, और न जाने आज तक की युवा पीढ़ी के मन में यह शब्द गूंज रहे हैं कि चंद्रिका हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारे पास जितना टीम था सब से हम बात किया और बोला हम बस वही डिसाइड ले कि इस चंद्रिका के बारे में हमें खुल के बताना चाहिए कि चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है बाबू, चलो हम तुमको तो यहाँ फुल डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे बाबू, लेकिन हम तुमको इतना ज़रूर हिंट्स देना चाहेंगे कि
थोड़ा सा तुम समझ पाओ चंद्रिका के बारे में। और हम आपसे तो वादा कर लिए हैं कि आपसे हम जरूर आपके लिए 2 से 3 घंटा किसी दिन समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है बाबू। तो अभी हम आपको हल्का हिंट्स दे रहा है कि चंद्रिका किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो देखो बाबू, आपको चंद्रिका से डरने का कोई जरूरत नहीं। देखो चंद्रिका है क्या, सबसे पहले चंद्रिका है क्या पहले ये समझो। देखो बाबू तुम, चलो हम एग्जांपल के थ्रू हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें चंद्रिका है क्या, ठीक है। जैसे कि आप लोग कहीं ना कहीं जरूर कोचिंग पढ़ रहे होगे, ठीक है, वहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो। जब तुम वहाँ कोचिंग पढ़ रहे हो तो यानी कि मानकर चलो कि आप हिरोशिमा चैप्टर रीडिंग किए, ठीक है। रीडिंग करने के बाद उसके पास क्वेश्चन आता है, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोग कुछ बना पाते होंगे, कुछ नहीं बना पाते होंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो नहीं बना पाते हैं तो वह तो सर बताते ही हैं, जब आप कोचिंग में जाते तब बनाते हैं या सर बताते हैं, है कि नहीं। तो फिर जब देखो, तो जब वह सर तुम्हारा प्रश्न के उत्तर देते हैं तो उस समय सर एक तरह से चंद्रिका हो गया, नहीं समझे। चलो तुमको हम और आसान भाषा में, अपनी भाषा में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बाबू। यानी कि जब तुम किसी से कोई भी प्रश्न पूछते हो और वह प्रश्न का सही सही उत्तर कोई भी व्यक्ति दे देता है तो उस समय वह व्यक्ति चंद्रिका है, ठीक है बाबू। तो उसका नाम तुम चंद्रिका मत रख देना, से चंद्रिका चंद्रिका कहने लगा। हालांकि तुम कुछ भी पूछो, जैसे कि तुमसे कोई बच्चा पूछता है कि एक एक कितना होता है, आप 2 बोल दे तो उसके लिए आप चंद्रिका हो। ठीक इसी तरह से चंद्रिका आपके लिए भी घर पे आप ठीक तरह से इसी तरह से आप एक तरह से बुजुर्ग इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कि मानकर चलो कि हिरोशिमा चैप्टर तुम रीडिंग करना शुरू किया, ठीक है। रीडिंग करने के बाद क्या होता है, कुछ प्रश्न आते हैं तो कुछ प्रश्न बना पाते हैं, कुछ प्रश्न नहीं बना पाते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जो प्रश्न नहीं बना पाते हैं तो वहाँ पर ही छोड़ देते हैं, यानी कि गिव अप कर देते हैं एक तरह से बुझो तो। पता नहीं उसको कैसे लगता है और वो यह समझने लगता है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना तो अब हम कल के भरोसे, यानी कि जो फिर कोचिंग में जाएंगे तो फिर सर बताएंगे तो फिर हम यहाँ से क्लास या फिर पढ़ाई अपना स्टार्ट करेंगे। और वह क्या करता है, यानी कि उस समय उसको देखो दिमाग में क्या चलता रहता है, वो उस समय यानी कि बुक भी चेंज नहीं करते रहते। हालांकि बहुत कम ही स्टूडेंट होता कि जो क्वेश्चन में जहाँ जाके फंस जाते हैं तो मानकर चलो वो सब्जेक्ट ऑफ करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 85 या फिर 80% के आसपास देखे हैं कि क्लास 10th की हम बात कर रहे हैं, ठीक है बाबू। 80% विद्यार्थी के आसपास देखे, यानी कि जब वो पढ़ने के लिए बैठते हैं और कोई भी क्वेश्चन में जाके फंस जाता है तो वह वहाँ से ही पढ़ाई ऑफ कर देते हैं, पढ़ाई ऑफ कर देता है और वह कल के भरोसे, यानी कि बोलते हैं कि जब हम कोचिंग में जाएंगे तो फिर यह मेरा क्वेश्चन सोल्व होगा तो फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो बाबू आपको इस तरह से ऐसा हरकत नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग 10th में चले गए हो, समझ रहे हो ना, आप लोग 10th में चले गए हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। नहीं समझ में आ रहा तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ो, उससे नहीं होता तो चंद्रिका तुम इस्तेमाल करो वहाँ पे। जैसे कि तुम चंद्रिका देखो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि तुम हिरोशिमा चैप्टर रीडिंग करना शुरू किए, उससे फिर रीडिंग करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कुछ बना पाते हो। जो क्वेश्चन नहीं बना पाते हो तो आप चंद्रिका ओपन करो और देखो उस प्रश्न से रिलेटेड क्वेश्चन क्या लिखा है चंद्रिका में, फिर उसे तुम अपने मन में या फिर आप उसको 2 से 3 बार पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद 1 से 2 बार देख कर कॉपी में लिखो, फिर कॉपी में लिखने के बाद फिर यानी कि फिर कॉपी में लिखने के बाद देख के लिखने के बाद फिर तुम चंद्रिका बंद कर दो, फिर तुम साइड में प्रश्न के लिखो, फिर उस प्रश्न से रिलेटेड तुम कितना सोच कर लिख सकते हो, फिर तुम रिवाइज करके देखो। उसके बाद भी नहीं समझ में आता, उसके बाद तो सर है ही कोचिंग में। तो आप लोग कहते ठीक, आप इसी तरह से तुम इस्तेमाल हो जाता बाबू, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं, जैसे कि हमको भी देखो वॉइस में होता है, बोलते बोलते हो जाता है, मिस्टेक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अब यहाँ से हम चैप्टर ही कवर करना बंद कर दे या फिर आप बोलेंगे कि चलो आज से तो मिस्टेक हो गया तो आप कल ही हम इससे फिर शुरू करेंगे। तो इस तरह से बाबू आपको नहीं करना, क्योंकि आप लोग 10th क्लास में चले गए हो, थोड़ा सीनियर हो गए हो, थोड़ा समझ में आप में बढ़ गया है, यानी कि आप लोग थोड़ा सोचो, ठीक है, और पढ़ाई करो बाबू, ठीक है। बहाना करने से कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं। आई होप अभी तक माँ बाप जितना समझा रहे होंगे आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है बाबू। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रश्न ये भी उठने लगता है कि क्या सर हम इससे रिलेटेड, यानी कि जो चंद्रिका से हम प्रश्न लिखते हैं फिर या याद करते हैं, फिर यहाँ पे हम किसी भी एग्जाम हॉल में जाके अगर इसे रिलेटेड ही जो याद करके अगर हम लिख देते हैं वहाँ पे क्वेश्चन तो क्या सर हमारा नंबर पूरा मिलता है या फिर कट जाता है। तो बाबू हम तुमको ये थोड़ा सा हिंट इसमें भी देना चाहेंगे कि देखो बाबू, जब तुम यहाँ से याद करते हो या फिर चंद्रिका से याद करते हो और जब तुम एग्जाम में लिखते हो तो वहाँ पे कोई नंबर नहीं कटता है, ठीक है बाबू।
एग्जामिनर जो होता है यानी कि जो कॉपी चेक करता है उसको सिर्फ यही मतलब रहता है कि हम जो प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में उससे रिलेटेड तुम कितने अच्छी तरह से यानी कितनी अच्छा तरह से या फिर अच्छी तरह से तुम बयान कर पाते हो यानी कि उस प्रश्न का कितनी अच्छी तरह से उत्तर लिख पाते हो। उसको ये से कोई मतलब नहीं रहता कि तुम चंद्रिका से लिखो या फिर तो अपने मन से लिखो या फिर बुक से लिखो या फिर तुम जो सर कोचिंग में लिखाए थे वह लिखो, उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। उसको सिर्फ जो प्रश्न पूछा गया है उससे रिलेटेड तुम कितनी अच्छी तरह से लिख पाते हो, उसके उत्तर कितनी अच्छी तरह से दे पाते हो, ठीक उसी के आधार पर तुम्हारा फुल नंबर मिल जाता है। आई होप बाबू आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो चंद्रिका कोई बुरी चीज़ नहीं है और आप बेधड़क इस्तेमाल करिए, जहाँ फंसते हैं जो भी क्वेश्चन में फंसते हैं आप वहाँ इस्तेमाल कीजिए घर पर, और फिर घर पर इस्तेमाल आप करिए, ठीक है बाबू। फिर अगर घर पे भी नहीं समझ पाते हैं उसके बाद भी तो फिर कोचिंग है ही, ठीक है बाबू। आई होप आप लोग अभी तक समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक हम इतना ही रहने देते हैं बाबू, तो फिर हमें आप जाने की इजाज़त दीजिए और हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन समय निकाल कर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताएंगे फुल डिटेल्स में। तो जब तक के लिए बाबू हमें जाने की इजाज़त हो, ठीक है बाबू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।